हेलो, वेलकम बैक टू एक्मे कॉलेज स्कूल। एंड आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, एंड इन केस अगर हम उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, राइट? एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे मैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर आपका अडोबी रीडर, ओके? पीडीएफ व्यूअर एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा, एंड यही सॉफ्टवेयर हम अनइंस्टॉल करके देखेंगे, ओके? तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये फाइल आपकी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको क्या कहते हैं, रन करना होगा आपको। तो रन करने के लिए क्या करना होगा आपको, उसमें आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहीं से ही क्लिक कर सकते हैं, ओके? मैंने क्लिक कर दिया, इसको यस ऑप्शन चूज करना है। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल करने का तरीका जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है? बस आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करना आना चाहिए, ओके? तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। इसको हम फिनिश कर देते हैं, एंड फिनिश करने के बाद वी जस्ट कैन, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है। अगर आप इस एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट ऐप बनाना चाहते हो पीडीएफ फाइल्स के लिए, तो यहाँ पे आप सेट एज सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको आप स्किप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ओके? ये देखिए सॉफ्टवेयर जो आपका इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, ओके? अब इसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करना है मैं ये दिखाऊंगा। वैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो, प्रोसेस जो होगा प्रोसेस सेम ही होगा, बस सिंपली आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, ओके? सो देयर आर टू वेज टू अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है वो आपकी सेटिंग से होता है। आपको क्या करना है, विंडोज आइकन पर क्लिक करना है, एंड देन गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स को सिलेक्ट करना है, एंड ऐप्स को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऑप्शंस इंस्टॉल्ड ऐप्स, ओके? इस पर क्लिक करना है, एंड जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था दैट वाज अडोब एक्रोबेट, राइट? आपको इस थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? ये तो हो गया आपका फर्स्ट वे। सेकेंड जो मेथड होता है अनइंस्टॉल करने का वो होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करना, ओके? तो कंट्रोल पैनल से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए जो स्टेप्स होता है वो क्या होता है, सो लेट्स ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए सर्च कंट्रोल पैनल, ओके? ओपन इट अप। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम्स, एंड जस्ट इसके नीचे ही आपको ऑप्शंस मिल रहा है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ओके? तो आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स किए उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ओके? तो सॉफ्टवेयर जो हमें अनइंस्टॉल करना है दैट इज अडोबी एक्रोबेट, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम ऑप्शंस देखेंगे अनइंस्टॉल, एंड यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं अनइंस्टॉल के लिए, ओके? यस, इट विल टेक सम टाइम टू अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की कितनी फाइल्स हैं, ओके? जिसको कि वो डिलीट कर रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है आपका सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है, ओके? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe to this channels to get more such content on computer basics. Thank you.